हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में विद्या क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं 9th क्लास के साइंस का, और आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट के बारे में, उनके टाइप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एलिमेंट या तत्व क्या होते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी वीडियोज में कई बार बता दिया है कि दो से ज्यादा परमाणु अगर आप मिला दो तो बनने वाला नया पदार्थ क्या होगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा। दो से ज्यादा आप परमाणु को मिला दो या कोई भी आप पार्टिकल को मिला दो तो आपका एलिमेंट मिलकर तैयार हो जाएगा। आपके अगर इस बार आपको डीपली जानकारी लेनी है तो हमारी पिछली वीडियो चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप देख सकते हो, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके टाइप्स की, एलिमेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो एलिमेंट आपके तीन टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट मेटल, नंबर सेकंड नॉन मेटल, नंबर थर्ड आपके मेटलॉइड्स। यस, नंबर फर्स्ट मेटल, मेटल को हिंदी में धातु कहा जाता है, नॉन मेटल यानी कि अधातु कहा जाता है हिंदी में, और मेटलॉइड का मतलब होता है उपधातु। अब मेटल या धातु क्या होती है, आप सब लोग जानते हैं मेटल या धातु क्या होती है। हर वो चीज जो हम यूज कर रहे हैं उसको देख पा रहे हैं, वो क्या है, हमारी मेटल है। जैसे आपके पास मार्कर हो सकता है, आपके पास पेन हो सकता है, आपके पास व्हाइट बोर्ड हो सकता है, आपके पास कॉपी हो सकती है, आपके पास गेट हो सकता है, आपके पास चेयर हो सकती है, मोबाइल फोन आपके पास हो सकता है, ये सब क्या है, मेटल्स है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप नहीं देख सकते हो, जैसे आपकी गैसेस, जैसे आपकी गैसेस हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, ये सब क्या है, आपकी नॉन मेटल है या गैसेज है। अब बात करते हैं आपकी थर्ड वाली मेटलॉइड की। मेटल का मतलब होता है उपधातु। उपधातु वो आपके पदार्थ होते हैं जो आपके धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ समानता रखते हैं या दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दोनों के गुण शो करते हैं। इसकी केवल इतनी सी बात है आपके 9th क्लास में, इससे ज्यादा आपके पास इसका डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ में आई। जब हम बात करते हैं मेटल्स की, भाई मेटल्स की क्या विशेषताएं हैं या नॉन मेटल्स की क्या विशेषताएं हैं, मेटल्स नॉन मेटल से कैसे अलग हैं, तो मेटल्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि मेटल्स की अपनी चमक होती है, मेटल्स की अपनी चमक होती है, यानी कि उनकी अपना प्रकाश होता है। कैसे होता है अपना प्रकाश, हमें दिखेगा कैसे, आपको पता है कि कोई भी चीज़ हमारी लाइट के कारण चमकती है। कोई भी चीज़ हमारी कब चमकती है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है। तो मान लीजिए मेरे पास जो वाइट मार्कर है, इसमें थोड़ा ब्लैक कलर भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका ये वाला चीज, इसका ये वाला एरिया अलग मेटल है, ये वाला एरिया अलग मेटल है, मेटल है। अब ये मेटल है, इसका वाइट कलर है, जो वाइट दिख रही है, ये ब्लैक मेटल है, इसका ब्लैक है, इसलिए ब्लैक दिख रही है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटल्स का अपना कलर होता है जबकि नॉन मेटल का अपना कलर नहीं होता है। आपने कभी बॉक्सिंग बोर्ड होते हुए देखा है, इस समय भी मेरे पास लेकिन नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल से कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड वाला पॉइंट है आघात वर्धनेता, आघात वर्धनेता, इसको हम कहते हैं डक्टाइल, इसमें कहते हैं डक्टाइल। क्या होता है आघात वर्धनेता, आपको पता है अगर आप कोई भी मेटल पर मार कुछ चीज मारो या फिर मेटल को आप बजाओ तो आवाज करती है। अभी कुछ दिन पहले मोदी ने थाली देने के लिए कहा था तो सारी थालियां आवाज कर रही थी, इस प्रकार से समझ जाओ थाली भी एक मेटल है। यस, या फिर व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं, आपको आवाज आएगी। अभी डेस्क की बात कर लेते हैं, आपको आवाज आएगी। मैं गेट पर मारूंगा, गेट आवाज करेगा, मैं और की चीज पर गेट टच करूंगा तो आवाज करेगी। तो इस प्रकार से हमारी जो साउंड निकलती है वो मेटल्स में निकलती है, नॉन मेटल्स में नहीं निकलती है। इस प्रकार से आपका दूसरा डिफरेंस हो गया मेटल और नॉन मेटल में। अब आघात वर्धनता क्या मतलब है, आघात वर्धनता से यह मतलब है कि आप मेटल्स को पीट कर उनसे चादर बना सकते हो। चादर क्या मतलब, क्या मतलब है चादर का, भाई आपने टीन देखे होंगे, टीन शीट देखे होंगे, वो सब चादर की फॉर्म में होती है। ठीक है, शीट कह सकते हो आप, इंग्लिश में शीट बना सकते हो। इस नेचर को या इस प्रकृति को, धातु की इस प्रकृति को या मेटल की इस नेचर को आप आघात वर्धनता या फिर डक्टिलिटी कह सकते हो। ठीक है, आई होप सेकंड बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी तीसरी बात पर। तीसरी बात है हमारी तन्यता। तन्यता या फिर लश्चर भी एक गुण है, किसका, मेटल का। लश्चर या फिर तन्यता भी एक गुण है। अब क्या होती है तन्यता, क्या होता है लश्चर, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी धातु या मेटल को खींच कर इसके वायर बना दें। आपको पता होगा वायर किस किसके बने होते हैं, आपने देखे होंगे एल्यूमिनियम का वायर होता है, कॉपर का वायर होता है। यस, इस प्रकार से आप देख पाओगे कि वो सब क्या है, मेटल्स हैं। कोई भी मेटल होगी उसको खींच कर अगर आप वायर बना पाओ तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी या इस प्रकार की क्वालिटी या गुण को आप क्या कहोगे, लश्चरिटी या फिर तन्यता कहोगे। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप विभेद कर सकते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं केमिकल और फिजिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भाई क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है आपका रासायनिक परिवर्तन।
ऐसे परिवर्तन जिनमें आप एक पदार्थ को यूज करके दूसरा पदार्थ भी प्राप्त कर लो, एक पदार्थ को यूज करके दूसरा पदार्थ भी प्राप्त कर लो, तो ऐसे परिवर्तन या ऐसे चेंज आपके केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई चीज यूज करी और आप उसको फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते हो तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं आपके भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास पेट्रोल है, यस आपने पेट्रोल को जला दिया, तो क्या आप उस जले हुए पेट्रोल को दोबारा यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार का आपका चेंज हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा परिवर्तन हो गया जिसको आप दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार की चीज को आप क्या कहोगे? भौतिक या फिजिकल चेंज कहोगे। इसके अलावा आपके पास लकड़ी है, आप लकड़ी जलाओ, लेकिन आपको लकड़ी जलाने के बाद आपको कोयला प्राप्त होगा, आप कोयले को भी दोबारा यूज कर सकते हो उस रूप में। यस इस प्रकार से आप कह सकते हो कि लकड़ी का जलना कैसा है आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज होता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करूं तो वो परिवर्तन जो हमें दिखाई देते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और ऐसे परिवर्तन जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं ऐसे कहलाते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आपको सर कौन से ऐसे चेंज है और कौन से चेंज नहीं है, तो आपको आपको पता होगा कि अगर बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है तो आपको दिखाई देगी, बर्फ पिघल रही है आपको दिखाई देगी, कैसे चेंज हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर दूध से दही बनाए, दूध से दही बनाए तो क्या दूध से दही बनता आपको दिखाई देगा? दही में बन जाएगा। तो इस प्रकार चेंज को क्या कहोगे? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक चेंज कहोगे। इस प्रकार से आपको स्लाइड शो हो रही है, इस पर आप दोनों के डिफरेंस आप देख पाओगे और इसलिए समझ भी पाओगे। आपको आई होप वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है? भाई मिश्रण मैंने आपको पढ़ा दिया है, यौगिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इन दोनों में अंतर क्या होता है यह आप भली भांति जानते हैं। फिर भी आपको बताने के लिए मैं आपके सामने स्लाइड शो कर रहा हूँ, इसमें आपको मिक्सचर और कंपाउंड, मिक्सचर और मिश्रण और यौगिक का अंतर समझ में आ जाएगा। फिर भी नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिक्सचर और यौगिक में क्या डिफरेंस होता है। भाई कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, आपको पता है। इसके अलावा आपके मिक्सचर किनसे मिलकर बने होते हैं? कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। ये नॉर्मल इनका डिफरेंस है, अंतर है, जैसे कि आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा, एक बार आराम से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। लगभग आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, इसके अलावा कुछ बचता है तो हम लोग अपना अगला पार्ट में आपको शो कर देंगे या फिर नई वीडियो के साथ आपको ये वाली बात बता देंगे जो आपका बचा हुआ पार्ट होगा। बट आई थिंक इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप उसे जानना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, काफी ज्यादा वीडियो आपके पास हो चुकी हैं, आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हुआ पढ़ाया हुआ, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, आई होप ये वाली बात आप समझ गए होंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।